के मुल्तान रोड पर सुंदर के करीब दूध से भरे ट्रक की मुर्गियों से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जान बहक जबकि 21 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जख्मियों को तहसील हस्पताल रायविन मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात बताएंगे। अभी आपको एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से खबर दे रहे हैं। मुल्तान रोड पर सुंदर के करीब दूध से भरे ट्रक की मुर्गियों से भरे ट्रक से टक्कर हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जान बहक भी हुए हैं जबकि 21 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस भी इस मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें भी मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जख्मियों को जो करीबी हस्पताल है तहसील हस्पताल रायविंड वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान रोड सुंदर के करीब ये वाक़ा पेश आया है जहाँ दो ट्रक की आपस में टक्कर हुई है जिससे 4 अफराद के जान बहक होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं और उसके साथ साथ 21 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात से आगाह किया गया था कि जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी बिल्कुल, सुंदर जो सुंदर के करीब जो सुंदर स्टेट के करीब रायविन रोड पर ये तेज रफ्तार गाड़ी का जो हादसा पेश आया जिसमें दूध से भरा जो तेज रफ्तार मज़दा था वो बेकाबू होकर सड़क से जो है वो नीचे वो उलट गया। जो वीडियो से भी देखा जा सकता है कि जो उसके दूध के कैन थे वो बिखरे पड़े हुए और इसी में जो ट्रक में मजे में जो है वो 20 के करीब जो सवार थे अफराद थे वो सवार थे जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुए और उनमें से 4 अफराद जो है वो जहां भाग हो चुके हैं और जबकि 15 के करीब अफराद जो थे वो जख्मी है। 4 राहगीर भी इस हादसे में जख्मी हुए हैं और उनको भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू की टीमें और गाड़ियां मौके पर मौजूद है, इधर एम्बुलेंसेज भी मौके पर पहुंच चुकी है। दो जख्मियों को वहां से मुंतकिल किया जा रहा है और जैसे ही रेस्क्यू जिला का कहना है कि तहसील हेडक्वार्टर रायविंड उन्हें मुंतकिल किया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि इनकी हालत जो है वो ज्यादा खराब है तो इनको लाहौर जनरल हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। अब वहां से उनकी मुंतकिली का सिलसिला भी जारी है। रोड को तो क्लियर कर दिया गया है लेकिन गाड़ी और मजदा जो है वो अभी तक सड़क के किनारे ही पड़ा हुआ है और वहां पर जो मजीद से तहकीकाती टीमें थी मौके पर पहुंच चुकी है। अभी तक ये शनाख्ती हो रही है कि ड्राइवर जो था इस हादसा में जहां भाग हो गया ये जिंदा है लेकिन 4 अपराध के जहां भाग होने की जो है वो इतला है और उसके बाद अब मजीद तहकीकाती सिलसिला जारी है कि यहाँ पर अब ये हादसा आखिर पेश कैसे आया। जी